आज के इस दौर में हर इंसान परेशान है, हर इंसान प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है। आज मैं कुछ बातें आपसे शेयर करूंगी, मुझे यकीन है ये बातें आपके लिए मोटिवेशन बनेंगी और ये बातें आप हमेशा याद रखना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो शेयर करना ताकि दूसरों को भी फायदा हो। जब कभी आपके अपने खून के रिश्ते आपका दिल दुखाएं तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को याद कर लेना, जिनके सगे भाइयों ने उन्हें कुएं में फेंक दिया था। जब कभी आपके माँ बाप आपका साथ ना दे तो एक बार हजरत साद बिन अबी वकास और दूसरे सहाबा इकराम को याद कर लेना, जिनके घर वाले और माँ बाप ही उनकी जान के दुश्मन बन गए थे। जब कभी लगे कि आपके जिस्म बीमारी की वजह से दर्द में मुबतला है तो हाय करने से पहले सिर्फ एक बार हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को याद करना, जो आपसे ज़्यादा बीमार थे। जब कभी किसी मुसीबत या परेशानी में मुबतला हो जाओ तो शिकवा करने से पहले हजरत यूनस अलैहिस्सलाम को याद करना, जो मछली के पेट में रहे और वो परेशानी आपकी परेशानी से ज़्यादा बड़ी थी। अगर आपको लगे कि तमाम रास्ते ख़त्म हो गए हैं तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को याद करना, जिनके लिए अल्लाह ताला ने दरिया को चीर कर रास्ता बनाया था। अगर कभी लगे कि आप अकेले रह गए हो तो एक बार अपने बाबा हजरत आदम अलैहिस्सलाम को याद करना, जिनको अल्लाह ने अकेला पैदा किया था और फिर उनको साथी अता किया। तो आप ना उम्मीद ना हो, आपका भी कोई साथी ज़रूर बनेगा। अगर कभी अल्लाह के किसी हुक्म की समझ ना आ रही हो तो उस वक़्त हजरत नूह अलैहिस्सलाम को याद करना, जिन्होंने बगैर कोई सवाल किए कश्ती बनाई थी और अल्लाह के हुक्म को माना था, तो आप भी मानना। और अगर कभी आपके अपने ही रिश्तेदार और दोस्त यानी कि तमाम लोग आपके खिलाफ हो जाएं, तो उस वक़्त तमाम नबियों के सरदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद कर लेना। अपने नबियों की ज़िंदगी को अपना रोल मॉडल बनाएं, उन्हें अपना आइडियल बनाएं। वीडियो शेयर करें ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो।